चेक करो, चेक करो सतपाल, पैंस बेटी चेक करेंगे आप दोनों को। और दो अंक बना लिया हरियाणा के पहलवान ने, जीरो और दो का स्कोर, लाल के कोई अंक नहीं, नीले के दो। 72 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल मुकाबला चल रहा है मैच नंबर ए पर। रौनक ज्योति लाल कास्ट्रोल में है और नीले में कीर्ति हरियाणा के बीच। ओ भाई दोनों कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से ऐसा लोग पीछे हो जाइए, दोनों लोग, दोनों कॉर्नर रेड और ब्लू दोनों पीछे होइए आप वहां से। अरे पीछे हट जा भाई, जीरो और दो का स्कोर है, लाल के कोई अंक नहीं, नीले के दो। दो अंक की बढ़त बना ली है हरियाणा के पहलवान ने। यूपी और हरियाणा के बीच मुकाबला चल रहा है 72 किलोग्राम भार वर्ग का फाइनल मुकाबला मैच नंबर ए पर। सीसीएस नेशनल स्कूल गेम्स रेसलिंग चैंपियनशिप का चौथा दिन और रेस्ट जीरो और दो का स्कोर है, लाल के कोई अंक नहीं, नीले के दो। चलिए बुला लिया सतपाल जी। एक सौ 125 किलो का फाइनल मुकाबला हरदीप हरियाणा और पृथ्वीराज महाराष्ट्र। इसके बाद 92 केजी के फाइनल के लिए पहलवान तैयार रहेंगे। ब्रांस के लिए अरविंद उत्तर प्रदेश और बाबी सिंह सीबीएसई। बहुत शानदार मुकाबला चल रहा है मैच नंबर ए पे। 72 किलो बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला कौन होगा अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स रेसलिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल किसके नाम होगा उसका मुकाबला आपके बीच में। 72 किलो भार वर्ग का यूपी और हरियाणा के बीच। दो अंक की बढ़त बना ली है हरियाणा के पहलवान ने यूपी के पहलवान के ऊपर। बोल दी 92 केजी, 92 केजी बोल दिया।
125 का फाइनल मुकाबला हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच। पुनः दो अंक हासिल कर लिया ब्लू कास्टिंग के पहलवान ने, 0-4 का स्कोर हो चुका है। मात्र 20 सेकेंड शेष है, 0-4 का स्कोर है। 72 किलोग्राम बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला यूपी और हरियाणा के बीच में। 4 अंक की भर बना ली है हरियाणा की पहलवान और पुनः 2 अंक, 0-6 का स्कोर। और इस समय समाप्त इस कुश्ती